वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साबूदाने को हम किस तरह से भिगाएं कि साबूदाने के एक एक दाने बिल्कुल अलग अलग रहें, और साथ ही साथ साबूदाने को हम लंबे समय तक के कैसे स्टोर करें, क्योंकि कई बार हमारे व्रत बहुत लंबे समय तक के चलते हैं और रोज़ हमें साबूदाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार आप भिगा लें और 4-5 दिन आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम साबूदाने को 2 बार बिल्कुल साफ़ पानी से धोएंगे, क्योंकि साबूदाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है और अच्छी तरह से धोने से बहुत कुछ स्टार्च पानी में बहकर निकल जाता है। तो मैं फिर से इसमें पानी डाल रही हूँ और जो इसका स्टार्च वाला पानी है उसे मैं फेंक दे रही हूँ। यदि हम साबूदाने को बिल्कुल प्रॉपर भिगाएंगे दोस्तों, तो हमारी साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की कोई भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो बस 2 बार धोने के बाद मैंने इसमें डाला है, 1 कटोरी के करीब मैंने पानी डाला है। साबूदाने को आप भिगाने के लिए हमेशा फैले हुए बर्तन का यूज़ करें। आप देख रहे हैं मैंने इतनी बड़ी ये ट्रे ली है, डब्बा लिया है। आपके पास इस तरह से कोई एल्यूमिनियम की ट्रे हो या प्लास्टिक की ट्रे हो तो उसमें आप साबूदाने को भिगाएं। इससे साबूदाने के सभी दाने को बिल्कुल सही मात्रा में पानी मिलेगा और दाने हमारे जो साबूदाने के वो बिल्कुल एक जैसे फूलेंगे। नहीं तो कई बार दोस्तों क्या होता है, नीचे नीचे जो साबूदाने के दाने होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पानी मिलता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे पानी कम मिलता है। इसलिए हमेशा फैले हुए बर्तन का यूज करें। अब इसे ढककर मैंने 1.5 घंटे के लिए रख दिया है। पूरे 1.5 घंटे के बाद की शूटिंग है। अब आप देख सकते हैं साबूदाने के पूरे दाने अच्छी तरह से पानी में भीग चुके हैं और एक एक दाने बिल्कुल अलग अलग हैं। ये देखिए, मैं आपको हाथ से मुट्ठी में उठाकर दिखा रही हूँ, एक एक दाने अलग हैं, बिल्कुल भी हमारा साबूदाना आपस में चिपका नहीं है। तो ये परफेक्ट तरीका था साबूदाने को भिगाने का कि एक फैले हुए बर्तन का यूज़ करें और बिल्कुल भी ज़्यादा पानी न रखें। मैंने इतने सारे साबूदाने में मात्र 1/2 कटोरी पानी डालकर इसे सोक करने रख दिया था। और अब आप चाहें तो दोस्तों, व्रत यदि आपके लंबे समय तक के चलते हैं तो रोज़ रोज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम ये प्रोसेस को करें, तो एक बार आप साबूदाने को इस तरह से भिगा दें और किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर आप इसे फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। बस उसका ढक्कन अच्छा टाइट होना चाहिए ताकि फ्रीज की ठंडी हवा न जाने पाए, नहीं तो हमारे साबूदाने ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कांच का बड़ा वाला बोल लिया है जिसका मेरे पास बहुत टाइट ढक्कन है। कोई भी डब्बा आप ले सकते हैं और उसमें आप डालें साबूदाने को और फिर आप इस साबूदाने के डब्बे को फ्रीज में कम से कम 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। जब भी आपको खिचड़ी बनाना है या साबूदाने की कोई भी रेसिपी बनाना है तब आप अपने हिसाब से उतनी मात्रा का साबूदाना बाहर निकालें, फ्रीज से बाहर निकालें और बाकी के साबूदाने को इस कटोरे सहित ढक्कन लगाकर आप वापस इसे फ्रीज में रख दें। तो 4 से 5 दिन तक के आपका साबूदाना बिल्कुल ही ऐसे ही नरम सॉफ्ट बना रहेगा और आपकी जब मर्जी है आप अपने पसंद की कोई भी डिश बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा व्रत के समय ऐसी ही करती हूँ। ये देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया, अब इसे फ्रीज में रख रही हूँ। 4 से 5 दिन मेरा साबूदाना बिल्कुल। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं